क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। इसमें क्या दिया है, फोर बॉयज एंड थ्री गर्ल्स स्पेंड 120 ऑन द एवरेज, ठीक है, ऑफ विच बॉयज स्पेंड 150। तो फोर बॉयज हैं, उनने कितना स्पेंड किया, 150, ठीक है। बची कितनी, थ्री गर्ल्स का अपन को नहीं पता, ठीक है। और दोनों ने मिलकर एवरेज कितना खर्च किया, एवरेज 120, ठीक है। अपन को एवरेज अमाउंट ऑफ स्पेंड बाय द गर्ल बताना है। अब एक बात ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 प्लस 30, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्लस 30 आ रहा है, एवरेज से ज़्यादा आ रहा है, तो इन्हें एवरेज से कम खर्चा किया हुआ, तो मैंने मान लिया माइनस एक्स, एक्स रुपये कम खर्चे किए होंगे जब जाके एवरेज कम हुआ है, ठीक है। ये बात तो सबको समझ में आई। अब ये 30 को मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ 4 से और डिवाइड बाय 7 कर दूँ, तो ये इसी के बराबर आना चाहिए जितना गर्ल्स ने कम खर्च किया। ये बात भी सबको पता है ना, जब भी तो दोनों का बराबर मेंटेन एवरेज 120 आएगा ना। जितना ज़्यादा बॉयज ने किया होगा, उतना ही कम गर्ल्स ने किया होगा, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई। अब क्या, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 7 से 7 कट गया, ये 3 10 या 30 हो गया, और 4 10 या 40। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40। मतलब गर्ल्स का एवरेज इनकम 120 से 40 कम होगा, 120 से 40 कम कर देते हैं, कितना आ गया, 80। गर्ल्स का एवरेज आ गया 80, जब जाके तो एवरेज 120 बना होगा ना, ठीक है।